22 साल बाद मैं अयोध्या बोल रहा हूं। अब हम हर कीमत पर रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए 6 दिसंबर अर्थात अयोध्या। इस विवाद को लेकर तमाम वर्षों तक, बल्कि सैकड़ों वर्षों तक ये विवाद भारत के सामने हमेशा ही मुंह फैलाए खड़ा रहा, लेकिन कभी भी किसी दोनों पक्ष की तरफ से सहमति की बात नहीं बनी। लेकिन जिन्होंने पिछले कई दशकों से इस लड़ाई को लड़ा, ऐसे हाशमी जी ने अब कहा है कि मैं रामलला को मुक्त देखना चाहता हूँ। हाशमी जी मुस्लिम हैं और मुस्लिमों की तरफ से हिंदुओं के विरुद्ध बाबरी मस्जिद विरुद्ध राम मंदिर इस आंदोलन में ये पैरोकार है कोर्ट में मुस्लिमों की तरफ से, लेकिन अब उन्होंने अपने स्टैंड को बदला है और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी आँखें बंद करने के पहले राम जी को, रामलला जी को मुक्त देखना चाहता हूँ, आज़ाद देखना चाहता हूँ। उनको यह एहसास हुआ, लेकिन क्या भारत के तमाम बाकी मुस्लिम नेताओं को एहसास कब होगा? मुस्लिम समाज तो फिर भी शायद बड़ी संख्या में इससे सहमत होगा, लेकिन कुछ लोग इससे असहमति जताने लगे हैं। ऐसे में आज हम आपके सामने आज की इस दिन विशेष पर बिंदास बोल लेकर आए हैं और आपको पूछ रहे सवाल कि आखिर बाकी मुस्लिम हाशमी जी के राह पर कब चलेंगे और क्या है पूरा अयोध्या विवाद, क्या होना चाहिए इसका हल। इस दिशा में अगले एक घंटे तक बातचीत करेंगे, आपको वो तथ्य और सत्य दिखाएंगे जो शायद आपने कभी टीवी स्क्रीन पर नहीं देखे होंगे। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। मैं परीक्षा की धरती अयोध्या से बोल रहा हूं। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से लेकर उनकी पुत्र वधू सीता को परीक्षा देते देख चुकी राम नगरी अयोध्या से बोल रहा हूँ। बीते 22 वर्षों से इम्तिहान देती आ रही अयोध्या की धरती से बोल रहा हूँ, जहाँ सियासत के हर रंग देखने को मिलते हैं, मैं उस धरती से बोल रहा हूँ। विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी पर हर साल अयोध्या अपने संयम और सद्भाव की परीक्षा देती है। मैं उस पावन नगरी से बोल रहा हूँ। राम मंदिर आंदोलन के बाद जन्मी अयोध्या के लिए हर साल आने वाला 6 दिसंबर परीक्षा की घड़ी साबित होता है। मैं उस धरती से बोल रहा हूँ। इस बार भी अयोध्या अपने सौहार्द की परीक्षा के लिए कमर कसकर तैयार है। इस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में झांक कर देखिए, इन आंखों ने सब कुछ देखा है। बाबरी मस्जिद को विध्वंस होते देखा है। ये व्यक्ति कोई और नहीं, बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी है। इन आंखों ने सियासी पार्टियों को बाबरी मस्जिद और रामलला की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकते देखा है। 85 साल की हो चली बूढ़ी आंखों ने रामलला के दर्द को देखा है। तभी तो बेजान शरीर में इतनी शक्ति आई और वो बोल उठा लड़खड़ाती जुबान से, मुकदमा हम लड़े, राजनीति का फायदा आजम खान उठावे, क्या जरूरत थी उनको? वो कहते हैं जब मुकदमा चल रहा है, मंदिर जब बन गया तो मुकदमे की क्या जरूरत है? इसलिए मैं बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी अब नहीं करूंगा। अब बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी आजम खां करें। आजम खां चित्रकूट में 6 मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, तो अयोध्या क्यों नहीं आते दर्शन करने के लिए? अब ये बाबरी मस्जिद हो या जन्मभूमि, ये सब राजनीति का अखाड़ा है। मैं मुसलमानों को या हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहता। मेरे हक में फैसला हुआ है, अब हम किसी कीमत पर बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।
हाशिम अंसारी ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर हर कोई सन्न हो जाएगा। पिछले 50 सालों से जो इंसान बाबरी मस्जिद का पैरोकार रहा हो वो अचानक रामलला को आजाद देखना चाहता है। आखिर इन 50 सालों में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसने हाशिम को ये सब कुछ बोलने के लिए मजबूर कर दिया। जुबान खोली और धमाका हुआ, सियासी गलियारों में हलचल मच गई और रामनगरी एक बार फिर से पाबंदियों में जकड़ दी गई है। मैं राम भक्त हनुमान की उस धरती से बोल रहा हूँ, मैं सरयू मैया की उस पवित्र नगरी से बोल रहा हूँ जहाँ हर दिन लाखों की तादाद में लोग आते हैं और एक डुबकी पाकर धन्य हो जाते हैं। 6 दिसंबर 1992 यानी ढांचा विध्वंस के बाद से आज तक के कालखंड ने राजनीतिक दलों की सेहत भले सुधार दी हो लेकिन अयोध्या और उसके निवासियों को सिर्फ पाबंदियां नसीब हुई हैं। मैं उस नगरी से बोल रहा हूँ, सामान्य जनजीवन ही नहीं बल्कि सरयू की जलधारा की भी निगहबानी का इंतजाम किया गया है। नदी के रास्ते अयोध्या में कोई शरारती तत्व प्रवेश न कर सके इसके लिए भी इस पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों के बूटों से चोट खा रही उस धरती से बोल रहा हूँ, कोई तो मेरे इस दर्द को समझे और मुझे आजाद कराए। हाशिम अंसारी तो समझ गए, आप सब भी इस पर विचार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। प्रभु श्री राम एक ऐसा नाम जो हमारे सांसों में बसा है। शरीर से जैसे श्वास को अलग नहीं किया जा सकता वैसे प्रभु राम को हिंदुस्तान से, भारत से, भारतीय संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता। उन्हीं का जन्म स्थान केवल इसलिए कब्जाया गया क्योंकि आक्रमणकारी जो यहाँ पर आए उनको लगा कि अगर यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना है, उनको मानसिक तौर पर पराजित करना है तो ये दिखाना ज़रूरी है कि हम आपके राम के, जो आपके राष्ट्र के प्रतीक है, उनके जन्म स्थान को ही तहस नहस कर सकते हैं। तो आप और आपके राजा क्या है? हिंदुस्तान जो आस्था के शक्ति के ऊपर चलता है उसके आस्था पर चोट पहुंचाना, यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। पहले उद्देश्य में तो सफलता मिली लेकिन आगे की उद्देश्य को नहीं मिली। इस पूरे घंटे में हम आपके सामने कई तथ्य और कई मुद्दों के साथ बात करेंगे लेकिन हमेशा की तरह आप बिंदास में कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर, सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सुनील मिश्रा थाईलैंड से बोल रहा हूँ। हाँ, आज के मसले पर हाशमी जी का जो बयान आया वह सराहनीय और कबूल करने योग्य है। हम सभी हिंदू को उनका सम्मान करना चाहिए लेकिन सुरेश जी हम हिंदू समाज को क्या कहें, यह लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मायावती जी ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर किस चीज की जांच होनी चाहिए? खुद को बहन कहलाना पसंद करती है लेकिन सबसे पहले 19 की जांच होनी चाहिए कि वह इतने सालों तक काशीराम के साथ किस तरह से किस चलिए के साथ रही है। हम बाकी चीजों को ना ले, हम आज केवल राम जी के विषय पर बात करें और अयोध्या के विषय पर बात करें। एक मुस्लिम को जो कि राम मंदिर आंदोलन में राम मंदिर के विरुद्ध बाबरी के पक्ष में बात कर रहा था, उसका भी मत परिवर्तन हुआ है, मन परिवर्तन हुआ है क्योंकि उसे भी लगा है कि वो गलत था और राम अब मुक्त होने चाहिए, राम जन्मभूमि अब साबित कर देनी चाहिए। जो कोर्ट ने आस्था की बात कही है उसे अब स्वीकार करना चाहिए। कई और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलते हैं, सुनते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं गुजरात से भवानी भाई बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ये जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से बेशर्म नेता जो राजनीति कर रहे हैं ना, इनको थोड़ी अंसारी जी से सीख लेनी चाहिए। और जो वाराणसी में महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं मोदी से आवेदन दे के मांग कर रही है कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए और राम मंदिर आजाद देखना चाहते हैं हम, तो ये बेशर्म नेताओं को थोड़ी शर्म आना चाहिए जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए जो ऐसे राजनीति करना चाहते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। मेरा मानना ये है कि आज भी जो है हमारा देश ये है, कागजों पे बेशक आजाद हो गया हो लेकिन फिर भी गुलाम है।
हमारे सनातन धर्म के श्री राम प्रभु जी, उनको हम जब अब तक आजाद नहीं करा पाए, हमारे देश के पॉलिटिशियन इस पे रोटियां सेकते हैं, कोई कुछ धर्म के नाम पर करता है, जब हमारे सनातन धर्म के जो हमारे पूर्वज जिन्होंने श्री राम रावण को जो है हराकर इतने राक्षसों को मार के तब इन्होंने धर्म का सनातन धर्म के किया, आज वही उनको ही हमें जो है पूजने के लिए मंदिर में जाने के लिए और उसके लिए वो जो मंदिर बनाने के लिए हमें जो अपने ही देश के अंदर आज नेपाल में जाके देखिए माता सीता का मंदिर, एक भव्य मंदिर बना हुआ है। आज हमारे देश में हम हिंदू होने के बाद आराध्य देव को हम पूजा नहीं कर सकते, इससे शर्म की बात क्या है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हाँ हेलो जी, बोलिए। हाँ जी, मैं अली हसन रोहतक से बोल रहा हूँ। मैं मुस्लिम समाज मुस्लिम हूँ, अली हसन नाम है मेरा जी। मैं अंसारी जी को सलाम करता हूँ जी, इतना बड़ा फैसला लिया है इन्हें, बहुत बढ़िया करा। पर ये नेताओं को भी समझना चाहिए कि आज के जमाने में हम हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहना चाहते हैं, पर ये नेता लोग आपस में फूट डालना चाहते हैं। यूपी के लिए ये मुद्दा बना रखा है इन्होंने अपना मस्जिद और मंदिर का, ये लोग ये नहीं सोचते यूपी में विकास नहीं करते, ये कुछ भी नहीं करते यूपी में, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता यूपी में, लूट खसोट है, सारे वोटों की राजनीति है सर। बिल्कुल, वाह धन्यवाद। तमाम ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो हाशमी जी से सहमत है और अपनी बात को खुलेआम कहने को तैयार है और लगता है कि अब बात सही और सत्य की दिशा में जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया आज के कार्यक्रम में देनी चाहिए। राम मंदिर को गिराकर वहां पर मस्जिद बनाना, यह कोई सत्ता विस्तार के लिए नहीं था, बल्कि आस्था पर चोट पहुंचाकर लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम करने का प्रतीक था। वहां पर कभी भी पूजा नहीं हुई, क्योंकि इस्लाम भी इस प्रकार की पूजा का अनुमति नहीं देता, ना वहां पर नमाज पढ़ने के बाद जो बाकी प्रक्रिया होती है, नमाज के पहले जो हाथ पैर धोने के लिए जगह होती है, वजू करना जिसको कहते हैं, उसके लिए कोई स्थान बना है, ना इस्लामिक कोई वहां पर प्रतीकों का प्रतिनिधित्व कोई उत्खनन में मिला है, लेकिन फिर भी उसके लिए कई लोग आज भी जान और खून देने की बात करते रहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। अक्षय जी का बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर, मुझे मेरा कहना यही है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि ये देश में 75% हिंदू लोग रहे थे और 25% मुस्लिम लोग रहे थे, और सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि 25% लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने आपको रखा है, तो 25% लोगों के लिए आप 75% लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं क्या? इसलिए इस देश में जो बहुजन हिंदू समाज है, जो 75% है, उनको अगर उनको समाधान करना है तो ये राम मंदिर बनाना ही होगा, और 25 साल तक ये मोदी सरकार नहीं लेगा अगर ये मंदिर बन जाए तो। बिल्कुल धन्यवाद। आखिर यही इसीलिए कहा जाता है कि माँ और मातृभूमि जन्मभूमि नहीं बदली जा सकती, तो प्रभु राम की जन्मभूमि बदलने का आग्रह क्यों किया गया? क्योंकि तब लाचारी में, मजबूरी में या आपस के फूट के आधार पर वो शक्ति का प्रदर्शन नहीं हो पाया, वो न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी गई। हालांकि कई बार इतिहास में तो इसका कई बार उल्लेख है, दर्जनों बार उसके लिए संघर्ष हुआ, उसको प्राप्त किया गया, फिर दोबारा उसको छीना गया, कई हजार मौतें हुई, फिर भी आज भी रामलला की स्थान, रामलला की जन्मभूमि कैद में है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। राम राम। हाँ सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपकी ईमानदारी और देशभक्ति को जो है दंडवत प्रणाम कर रहा, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे कितने बम ये तो डूब के मरने की जगह नहीं पाती, कि जयचंदों की अनुमति लेनी पड़ रही मंदिर बनाने के नाम के, यार हम भगवान राम का भी मंदिर नहीं बना सकते, इतने नपुंसक है कि हम साल हम मक्का मदीना ढह का मंदिर बना देंगे वहां। चलिए हम राम मंदिर के विषय पर आज फोकस करते हुए ये कहेंगे कि जब ये मस्जिद तोड़ी गई ऐसा कहा जाता है, तब ये तोड़ी गई तब ये मुस्लिम के खिलाफ कोई क्रिया नहीं थी, क्योंकि वहाँ दर्जनों मस्जिद अयोध्या में हैं। राम भक्तों ने, कार सेवकों ने दूसरे किसी भी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया, बल्कि जब यहाँ पर मस्जिद तोड़ी जा रही थी तब उसी समय अयोध्या के अन्य हिस्सों में महिलाएँ अपना बाजार में खान पान और सब्जी लेने के लिए आ रही थी, दूसरी तरफ जीवन सामान्य था, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी इसमें वो आस्था नहीं है, वो भी जानते हैं कि यहाँ पर कभी अत्याचारी आक्रमणकारी आए लोगों ने राम के साथ और उसके जन्मभूमि के साथ अन्याय किया था, इसलिए और जो जिन्होंने ये मस्जिद को तोड़ा उनको भी इस्लाम के प्रति नहीं तो उस स्थान के मुक्ति के प्रति ज़्यादा आसक्ति थी, इसलिए जो भी क्रियाकलाप हुआ उस स्थान पर हुआ, अन्य जगह पर नहीं हुआ। कॉलर। जय हिंद। बोलिए।
हाँ जी, क्या कहना है आपको? हाँ, ये जो अभी हाशिम साहब ने जो 92 ईयर एज में जो जिस तरीके का उन्होंने कहा है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही सम्मान के योग है, लेकिन जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं, इसके समाजवादी पार्टी के लोग, ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि वो देश के हितैषी नहीं है, देशद्रोही कहा जाएगा उनको। बिल्कुल धन्यवाद, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो के बाद आपके ध्यान में आएगा कि इसमें तथ्य क्या है आपके सामने। कि इन्हीं परतों के नीचे से निकले कुछ अकाट्य साक्ष्यों ने स्पष्ट कर दिया कि बाबरी ढांचे के नीचे कितना भव्य राम मंदिर मौजूद था। इस मंदिर और श्री राम जन्मभूमि का उल्लेख मुस्लिम इतिहासकारों ने भी किया है। अबुल फजल औरंगजेब की पौत्री, वाजिद अली शाह के समकालीन मिर्जा जान, उपन्यासकार मिर्जा रजब अली बेग आदि ने साफ शब्दों में लिखा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। लेकिन ये बात सबके गले इतनी आसानी से उतरने वाली नहीं थी। इस प्रश्न के समाधान के लिए तो अदालत में लंबी लड़ाई चल रही थी। श्री राम जन्मभूमि पर पूजा और दर्शन के अधिकार का दावा करते हुए पहला मुकदमा 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने किया। इसी साल रामानंद संप्रदाय के साधु परमहंस रामचंद्र दास ने भी इसी आधार पर मुकदमा दायर किया। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया और मांग की कि ढांचे के अंदर पूजा अर्चना और चढ़ावे का प्रबंध उसे सौंप दिया जाए, जबकि चौथा मुकदमा सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में किया। ये सभी मुकदमे आपस में हिंदू और मुसलमान पक्षकारों और राज्य सरकार आदि के बीच में चलता रहा। उसके बाद एक आवश्यकता महसूस की गई कि चूंकि भगवान राम वहाँ स्थापित हैं, रामलला विराजमान हैं और वो स्थान को राम जन्मभूमि के रूप में देवत्व शक्ति प्राप्त है, जब तक उनकी ओर से कोई वाद न प्रस्तुत किया जाए तब तक इसमें वास्तविक निर्णय संभव नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान देते हुए 1989 में भगवान रामलला विराजमान, स्थान राम जन्मभूमि और स्थान राम जन्मभूमि की ओर से उनके वाद मित्र देवकी नंदन अग्रवाल जी, जो एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी ओर से वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये विवादित स्थल भगवान राम की जन्मभूमि है और जिस पर विक्रमादित्य के समय से ही एक विशाल मंदिर था और 1528 में उस जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़कर बाबर ने ये विवादित ढांचा बनाया था और ये कहा गया कि इसको अनादिकाल से हिंदू लोग भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में पूजा करते रहे हैं और ये भगवान राम के जन्मभूमि के रूप में स्थापित है। इसके बाद शुरू हुआ अदालत में साक्ष्यों की पड़ताल का सिलसिला। जैसे जैसे साक्ष्य सामने आते गए, सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे एक के बाद एक खारिज होना शुरू हो गए। हम आपको पुरातत्व विभाग का वो वीडियो भी आगे दिखाएंगे, उनके पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की ऑफिशियल बाइट भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, राम हमारी संस्कृति है, हम भारतवासी हैं और हम अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रहते हुए जन्मभूमि समस्या का निदान ढूंढने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयत्नशील रहे हैं, लेकिन आज तक हम अपना हल नहीं ढूंढ पाए। जबकि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होते हुए राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ और हमें अपनी संस्कृति को जानने समझने का पूर्ण अधिकार है। हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, हमें अपनी संस्कृति को सर्वोच्च स्थान देते हुए आपसी भाईचारे को कायम रखे। एक बड़ा भाई है तो दूसरा छोटा भाई है, तो ऐसे में दोनों ही एक मुल्क में अपनी जन्मभूमि के सम्मान को कायम रखते हुए इस समस्या का समाधान ढूंढे। बिल्कुल धन्यवाद, हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जा रहे। 22 साल बाद मैं अयोध्या बोल रहा हूं। अब हम हर कीमत पर रामलला को आजाद देखना चाहते हैं।
हर कीमत पर रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आज हम आपके सामने प्रभु रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या के विवाद पर बिंदास बोल लेकर आए हैं। और ये संयोग की बात है कि उस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने कि इस विवाद में राम जी के खिलाफ केस लड़ा, वही आप कह रहे हैं कि वो प्रभु रामलला को मुक्त देखना चाहते, आज़ाद देखना चाहते, खुला देखना चाहते। इस केस की पैरवी अब नहीं करेंगे, क्योंकि लोग धर्म के नाम पर राजनीति करके उसका गलत फायदा उठा रहे और अब राम जी मुक्त होने चाहिए। इन शब्दों के साथ तमाम करोड़ों मुस्लिमों ने भी इस विषय का समर्थन किया है, लेकिन कुछ लोग अब मुस्लिमों में इसका विष पेरने में लगे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय बहस होना जरूरी है कि एक राम जन्मभूमि, जो राम हमारे शास्त्र, हमारे आत्मा थे, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक थे और राष्ट्रीय संस्कृति के प्रतीक के तौर पर जिस राम को माना पूजा जाता है, उनके जन्मभूमि पर आखिर विवाद क्यों? उनके तमाम साक्ष्य होते हुए भी और कोर्ट के आदेश ने यह स्वीकार करने के बाद भी इस विषय पर अभी भी सहमति क्यों नहीं बनी है? इसी पर आज के बिंदास में तमाम साक्ष्य हम आपको दिखा रहे हैं और कई कॉलर भी ले रहे हैं। पहले कुछ कॉलर के पास चलते, उसके बाद पुरातत्व विभाग के कुछ और साक्ष्य दिखाते हैं। जय हिंद। ओम नमः शिवाय। बोलिए। ओम नमः शिवाय। क्या कहना है आपको? मेरा कहना यह है सर कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार तो कण कण में भगवान है, और कण इसलिए मंदिर की कहाँ हो सकता है, खून बहाने की इसमें मंदिर के लिए। अपन तो मस्जिद को भी मंदिर मान सकते हैं। आप मान सकते हैं ना, दूसरे मानने देंगे तब? नहीं मानने की इसमें क्या है, कण कण में भगवान है अपने लिए। धन्यवाद। लेकिन उस कण कण के अस्तित्व को नकारना जब जाता है, और उस कण कण के अस्तित्व को स्थापित करने के पहले जो मूर्ति के रूप में, क्योंकि मूर्ति को पूजना भी हमारे यहाँ पर एक लंबी परंपरा आस्था का प्रतीक रही है, इसलिए मूर्ति पूजा को हिंदुस्तान में स्वीकार्यता दी गई है। और खास करके यह तो भगवान के अस्तित्व का विषय नहीं है, यहाँ पर भगवान के बजाय ऐसे आक्रमण को साबित करने का प्रयास किया गया है जो आपको, आपकी आस्था को चैलेंज करते हुए आपको गुलाम साबित करने के लिए किया गया अयोध्या का ये पूरा आक्रमण था। यहाँ पर राम है ये अब साबित, ये राम जन्मभूमि है साबित करने की जरूरत नहीं रही। तमाम ऐसे विषय आपके सामने और कोर्ट के सामने आए, लेकिन फिर भी नए सिरे से जब विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं तो डॉक्टर शर्मा क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं, जो इस विषय पर उत्खनन के प्रमुख थे। निभाने वाले प्रोफेसर ए.के. शर्मा इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोर्ट के आदेशानुसार जब वहाँ पर पहले तो उस स्थल का तोजो विकास इंटरनेशनल के द्वारा एक राडार सर्वेक्षण कराया गया, राडार सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह साफ प्रतीत हुआ कि जमीन के नीचे बड़ी बड़ी दीवारें और पिलर बेसेज या स्तंभ के प्रमाण हैं। तो कोर्ट ने फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश दिया कि उसी स्थल पे जहाँ पर राडार सर्वे किया गया है उसका उत्खनन किया जाए, उत्खनन करके जो भी प्रमाण सामने आते हैं वो पेश किए जाए। तो उत्खनन करने के बाद जो काफ़ी दिनों तक चला, मंदिर होने के वहाँ एक नहीं तीन स्तर पर तीन मंदिर होने के स्पष्ट प्रमाण मिले। पहला मंदिर जो उत्खनन में प्राप्त हुआ वो एक सर्कुलर शिवा श्राइन या गोलाकार शिव मंदिर था, जो हमको सबसे नीची सतह में मिला, और जो कार्बन 14 डेट होती है, जो जिसका परीक्षण बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ से कराया गया, उसमें 9वीं शताब्दी का वो मंदिर था। शिव श्राइन के बाद दूसरा जो मंदिर बना, दूसरे मंदिर की दीवार बहुत चौड़ी थी, उसका आप वो प्लास्ट चूने इसे प्लास्टर किया हुआ था, और उसके अपना अलग फ्लोर लेवल था, और वो चूने के प्लास्टर बाद के जो दीवारें बनी उसके अंदर से जाता है, इसका प्रमाण है कि बाद का मंदिर बाद में बना। और उस मंदिर के ऊपर वो जब ढह गया तो तीसरा मंदिर बनाया गया, वो तीसरे मंदिर के जो कि 1228 के करीब बना, उस तीसरे मंदिर का की दीवार भी पहले मंदिर के ऊपर ही बनाई गई, क्योंकि कोई नया न्यू नहीं खोदी गई, नया फाउंडेशन नहीं खोदा, क्योंकि पहले मंदिर की न्यू इतनी पक्की थी कि ज़रूरत नहीं थी। और उस पहले मंदिर के जो मलबे थे, गिरे थे, उसमें से कुछ जो मंदिर के स्ट्रक्चर के टुकड़े थे वो दूसरे मंदिर की दीवारों में फंसे हुए हमको दिखाई देते हैं,
ये पुरातत्विक प्रमाण है। और फिर जब तीसरा मंदिर बना वो भी उसी की दीवार के ऊपर बनाया गया और उसके प्रमाण हमको आखिरी मिलते हैं। उसका अपना फ्लोर लेवल है तो 1, 2, 3 फ्लोर लेवल हो गए। और फिर उसमें हम सबसे पहले हमको पूर्व दिशा की ओर दिखाई देता है कि गरुड़ ध्वज, क्योंकि ये विष्णु मंदिर था तो विष्णु मंदिर में गरुड़ ध्वज होना अनिवार्य है। तो गरुड़ ध्वज के लिए जो खाई खोदी जाती है गड्ढा, वो गड्ढा मिला है खुदाई में। और गरुड़ ध्वज भी पहले मिल चुका है जो कि अभी फैजाबाद संग्रहालय में ज्यों कहते हो एक ही पत्थर का बना हुआ रखा हुआ है। उसके बाद फिर अर्धमंडप है, तो अर्धमंडप में जो 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं, उनकी दूरियाँ एक दूसरे से बराबर हैं अर्धमंडप। फिर उसके बाद फिर आता है गर्भगृह। गर्भगृह में तो अभी श्री रामलला बैठे हुए हैं, वही गर्भ है, उसकी खुदाई नहीं हुई, लेकिन तो उसके दोनों तरफ हमको 50 स्तंभों के प्रमाण मिले हैं। स्तंभों के टूटे टूटे टुकड़े या उसके स्तंभों का पिलर बेस जो है, आधार जो है, वो ज्यों का त्यों मिला है। कुछ में पत्थर ज्यों के तो लगे हैं और पिलर बेस को वहाँ बहुत मजबूत बनाने के लिए चारों तरफ आर्थोस्टेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, चारों तरफ खड़े पत्थर लगाए गए हैं और 50 पिलर बेस मिले हैं और उनकी दूरी समानांतर है, एक से बिल्कुल बराबर हैं। वो प्रमाण देता है कि यहाँ पर मंडप था। तो ये रचना जो होती है सिर्फ मंदिरों में ही होती है, वो भी उत्तर भारत के मंदिरों में, कि पहले ये है गरुड़ ध्वज है, अर्धमंडप है, अंतराल है, फिर गर्भगृह है और दोनों तरफ फिर महामंडप है। मंडप ये प्रमाण हमको स्पष्ट है, हमको वहाँ पुरातत्व खनन में मिले हैं। मस्जिद में कोई मूर्तिकला नहीं होती है, पेड़ पौधे के आकृतियाँ होती हैं, लेकिन जानवर या मनुष्य की कोई आकृति, लेकिन यहाँ पर हमको खुदाई में जो प्रमाण मिले हैं उसमें बहुत से प्रचुर मात्रा में पकाई हुई मिट्टियों के खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं और जो मस्जिद में नहीं होती हैं। मस्जिद में के खंभों में कोई घट पल्लव नहीं होता है, मकर प्रणाम नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें प्रमाणित करती हैं कि वहाँ पर मंदिर था जिसको गिराने के बाद या जिसका मलबा मस्जिद में की दीवारों में इस्तेमाल किया गया। ये सब चीज़ें हमको मस्जिद की दीवार से मिली हैं, जो दीवारें मस्जिद ढहाए जाने के बाद भी खड़ी हुई थी, बाकी बची थी, उन दीवारों को तोड़ने से फिर ये हमको मिला है। बाबरी मस्जिद बनी, वो उसकी अपनी कोई फाउंडेशन या नींव नहीं है, वो जो मंदिर था मंदिर की दीवार के ऊपर ही उसकी दीवार खड़ी कर दी गई है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद के में बनाने में कोई नई चीज़ों का उपयोग नहीं हुआ है, कोई साबुत ईंट नहीं मिली है उसके मलबे से, जो कुछ है वो मंदिर के ढहाने से जो मलबा बचा उसी से मस्जिद खड़ा किया, पत्थर ईंट जो है, और ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई है, जो मंदिर की ईंटों की लंबाई चौड़ाई है, वही लंबाई चौड़ाई मस्जिद की ईंटों की है। उसके जो फ्लोर लेवल है तो जो पिलर बेसिस थे उनको, स्तंभों को जानबूझ करके बड़े औजारों से तोड़ा गया, तो इस वो पिलर बेसिस के जो ठूंठ बचे हैं उसमें उनके तोड़ने के निशान मिले हैं और उनको दबाने के लिए मस्जिद का जो फ्लोर बनाया गया उसके नीचे उसको रख दिए गए। तो पिलर बेसिस के जो पिलर बेसिस थे उसके मंदिर का जो फ्लोर था और फिर पिलर के टुकड़े हैं उसके ऊपर मलबा भरा गया और मलबा के ऊपर फिर दूसरा फ्लोर बनाया गया मस्जिद का, जिसके नीचे पिलर को दबा दिया गया। ये सब खुदाई में स्पष्टतः मिले हुए हैं। ये पूरा स्थल धार्मिक ही स्थल था शुरू से लेकर आखिरी तक, इसके स्पष्ट प्रमाण हैं, क्योंकि हमको शुरू से लेकर ऊपर तक आखिरी तक, यहाँ तक कि मस्जिद तक भी हमको सिर्फ धार्मिक ही भवन मिलते हैं या उसके अवशेष मिलते हैं। लोगों ने हमेशा कहा यही राम मंदिर, और उसमें खुदाई में राम मंदिर के ही प्रमाण मिले हैं। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ ही राम की जन्मभूमि थी। और दूसरी बात यह है कि ये जन्म का जो स्थान होता है वो धार्मिक आस्था का मानना है और धार्मिक आस्था को कोई किसी को चुनौती नहीं दे सकता, ये हमारे उच्चतम न्यायालय का भी मानना है। आपने देखा क्या साक्ष्य है, क्या तथ्य है, इतना सब कुछ होते हुए भी अगर मंदिर नहीं बन सकता तो फिर इसे कायरता कहा जाए उन लोगों की जिनका बनवाने का अधिकार है, या निष्क्रियता कहा जाए, यह तय करना पड़ेगा। अगले कॉलर,
जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, जय श्री राम। मेरा नाम मनीष मेहता है। हेलो, बोलते जाइए आप। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ। जिस तरह रावण का घमंड राम जी ने तोड़ा था, हाँ, विभीषण की मदद से, विभीषण उनकी तरफ हो गए थे, उसी हाँ। तरीके से ये जो साहब आए हैं हमारे वकील साहब, तो ये बयान दे रहे कि अभी लल्ला जी को रिहा करना चाहिए, उनको उनकी जगह देनी चाहिए, तो उसी तरीके से ये जो धन्यवाद, विभीषण अच्छाई का प्रतीक है, बुराई के साथ रहते हुए भी सच्चाई का साथ देने का प्रतीक है, और बल्कि संघर्ष के साथ साथ देने का प्रतीक है, इसलिए विभीषण का उदाहरण अच्छा है। अगले कॉलर जहिन। ओके, बोलिए। नमस्कार, मैं अशोक बात कर रहा हूँ मुंबई से। हाँ सुरेश जी, आप जो ये प्रोग्राम चला रहे हो बहुत अच्छा है। भारत में पहली बार कोई न्यूज चैनल ऐसा प्रोग्राम चला रहा है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं एक और एक टीवी चैनल देख रहा था, न्यूज चैनल, और वहाँ पे कुछ बाबरी मस्जिद गिराया गया, इसके लिए कुछ फंक्शन अरेंज किया था, तो उसमें एक रिपोर्टर ने एक कमल फारूकी करके एक कोई लीडर है, उनसे बात की वो न्यूज एंकर ने, तो कमल फारूकी जी से न्यूज एंकर ने पूछा कि आपको तो जिन जो इस केस की पैरवी कर रहे थे उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि पैरवी करने के लिए इस केस की, अभी वो कह रहे हैं कि रामलला को हम अजस्त देखना चाहते हैं, तो कमल फारूकी जी ऐसे कर रहे थे कि अभी उनकी उम्र हो गई है तो अभी वो इस केस में ध्यान नहीं देना चाहते, इसके लिए उन्होंने ऐसा कहा, अभी तक उनका केस से हटने का कोई ना ये नहीं है, मतलब केस से हटने का उन्होंने कहा नहीं है, तो ये ऐसे क्यों ये राजनीतिक लोग बेव कर रहे हैं मुझे बिल्कुल, क्योंकि जिनकी रोटी या जिनकी दुकान ही इस विषय पर चलनी है, अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं रहेंगे तो कमाल फारूकी की औकात क्या है राजनीति में। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जहन, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नवाबों ने जो गलती की है, हाँ, हमारे भगवान को या ये करके दफना करके या कुछ भी करके, आज के जनरेशन में जो आदमी ने कर रहे हैं, हिंदू के बच्चे तो कभी जिहाद वाद में नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे लोग पूरे जिहाद में जा करके पूरे जो मतलब हिंदुस्तान में रह करके ये सब जो गलत काम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए, घर के माता पिता को समझाना चाहिए कि तुम बेटा देखो अपना हिंदू हो या मुस्लिम हो या कुछ भी हो तुम, लेकिन दूसरे के बात में क्यों जा रहे हो, ये सब चीज को करके फिर क्यों गलत बनना चाह रहे हो। बिल्कुल, अगर आप जो कह रहे हैं ऐसी बात हिंदुस्तान का मुसलमान अपने बच्चों को कहेगा तो इस्लाम का एक अलग स्वरूप दुनिया के अलग भारत में दिखाई देगा, हम आशा तो यही करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। अगले कॉलर जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जय हिंद सर, मुझे ये कहना था कि वहाँ पे जो अयोध्या में अपने रामलला जी का मंदिर है वो तो बन के ही रहेगा सर, और दूसरी बात ऐसी है कि इन लोगों का जो लीडर है वो ऐसी अपना वो खुद ये बता रहा है कि वो सब जो बोलता है ना सर कि मैं ये ले जाऊंगा वो ले जाऊंगा और बचेगा क्या राम मंदिर, तो वो खुद ये बता रहा है कि वहां पे पहले से राम मंदिर था सर। धन्यवाद। हेलो, अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। जय हिंद जी। जय श्री बोलिए। जय श्री राम। हाँ हाँ जी, जय श्री राम, बोलिए, क्या कहना है? हाँ, मैं सुनील बेहरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ, पहले तो सुरेश जी को नमन है, वंदे मातरम। बोलिए बोलिए। तो राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि को जो राम मंदिर बोलते हैं वो अच्छा नहीं है, और श्री राम जन्मभूमि केवल अयोध्या में एक ही जगह में हो सकता है और दूसरा कहीं भी नहीं हो सकता है, और सारा दुनिया में अगर एक भी मंदिर होगा राम जी का तो वो पहला मंदिर अयोध्या में होना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए तो वो राष्ट्र मंदिर है, राम मंदिर नहीं है, वो राष्ट्र मंदिर है। बिल्कुल, क्योंकि प्रभु राम भारतीय आस्था का प्रतीक है, अयोध्या का मंदिर राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, जिस अस्मिता का बलात्कार किया गया, जिस अस्मिता को तार तार किया गया, जिस अस्मिता को छिन्न विछिन्न किया गया, जिस अस्मिता को ये दर्शाना का प्रतीक किया प्रयत्न किया गया,
कि ये आपकी आस्था जिस सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले प्रभु राम पर है, उस राम को अगर हम नहीं बख्श सकते, उसको अगर पराजित कर सकते हैं, तो तुम और तुम्हारा राजा क्या चीज है, ऐसा दर्शाने के लिए गुलामी का प्रतीक बनाने का प्रयास जिस पर हुआ, वो अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है और इसलिए वो बनना ही चाहिए, यह राष्ट्र भावना है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, जय श्री राम। बोलिए, क्या कहना है? हेलो सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर, मैं कह रहा हूँ। हेलो, चलिए धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आप कनेक्ट होती है, अपनी बात को कहिए। हम जानते हैं कि बहुत से लोग पहली बार कॉल करते हैं, तो पहले ही सारी सूचनाओं को ध्यान से सुने और उसके बाद अपनी बात को कहे। अगले कॉलर, जय हिंद। भाई जो बोल रहे हैं अभी टीवी पर, हाँ, कि मैंने मुद्दा छोड़ दिया उसका, बाबरी मस्जिद का, हाँ, तो भैया वहाँ पर राम मंदिर और मस्जिद दोनों क्यों नहीं बन सकती? अरे आपका घर कहाँ है? अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैं। बिल आपके घर पे मैं दावा ठोक दूँ तो आप मुझे भी आधा दे देंगे? अरे भाई जब यहाँ पर इतना जब वो ये बकवास करने की आदत जो हिंदुस्तान में कुछ लोगों को लगी है ना, कि क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई जो है वो है, क्यों होना चाहिए? तमाम बाकी जगह पर, अयोध्या में ऐसी मस्जिदें हैं जिन मस्जिदों में कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता, कौओं को नहीं उठाने जाता, ना गधों को बाहर निकालने जाता है, वो मस्जिदें छोड़कर। और बाबर कौन था? उस बाबर का भारत से क्या संबंध है? खुद उसके देश में जाके देखिए, उसके समाधि पर कुत्ते टांग ऊपर करते हैं। ऐसे में भारत में उसके नाम से किसी मस्जिद पर, और खास करके उस मस्जिद पर क्यों दावा जताया जाता है जो भारत के अस्मिता के प्रतीक, श्रद्धा के प्रतीक और परम आदर्शों के प्रतीक प्रभु श्री राम का जन्मस्थान हो। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर जी, क्या कहना है आपको? सर राजनेता लोग करते तो कितनी अच्छी बात होती, ना हिंदू लड़ना चाहता है ना मुसलमान लड़ना चाहता है, लड़ाते यही नेता है। और इन लोगों पे सिकंजा कस जाए, नोटाओं को परसेंटेज की जगह नोटा बंद हो जाए सर, बहुत बढ़िया हो जाए देश हमारा। और इस समय मोदी जी है, बहुत अच्छा काम, धन्यवाद। इसी तरह अगले कॉलर के पास, हम कॉलर को कहेंगे कि नए नए तर्कों के साथ अपनी बात को रखे। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हाँ जय हिंद। ये जो इन्होंने मतलब छद्म सेक्युलरों ने जो आजकल मीडिया में इतना उत्पात मचाया हुआ है, आप भी एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल हो जो कि मतलब इस तरीके की खबरें दिखा रहे हैं, वरना तो ये जितने बड़े बड़े एडिटर बने हुए बैठे रहते हैं अपने आप को, मतलब ये सेक्युलरिज्म के पूरे चैंपियन बने हुए बैठे हैं, पर इनकी हिम्मत नहीं होती कि इस तरीके की कोई भी एक न्यूज चला सके जिस तरह से सुदर्शन न्यूज चला रहा है। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसे लोगों को भी जब अंत यात्रा आएगी तो राम नाम सत्य कहना है, ये ध्यान रखे। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को जगा देने वाले अंतिम क्षणों में उनको भी राम नाम सत्य है कहना पड़ेगा, ये भूल रहे हैं। अब भले ही असत्य की साथ दे तब तो सत्य कहना पड़ेगा। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जय हिंद सर, बोलिए। हाँ देखिए, हम ये बोलना चाहते हैं कि भारत में जो राम मंदिर है, हाँ, वो पहले बनना चाहिए। ये राष्ट्रीय राष्ट्र का हमारा धरोहर है और हर हिंदू का ये मान मर्यादा का बात है, इसलिए बनना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल, अब हम हर कीमत पर रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। अब हम हर कीमत पर रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने आज का 6 दिसंबर का विशेष लेकर आए हैं।
हाशमी जो इस केस को लड़ रहे उन्होंने कहा है कि रामलला को मुक्त देखना चाहते, उनका पूरा वीडियो बाइट आपको दिखाते कि आखिर में और डिटेल में क्या कहते हैं, देखिए। जितने भी नेता हैं सब तो कोठियों में रह रहे हैं और रामलला तिरपाल में रह रहे हैं। मैं रामलला को तिरपाल में देखना नहीं चाहता, खुद तो बढ़िया मिठाई 100 रुपये किलो की खा रहे हैं और रामलला को इलायची दाना खिला रहे हैं, ये नहीं होगा। इसको दोबारा दिखाते हैं, ये कह रहे तिरपाल में नहीं रहने देंगे, मतलब वहाँ पर अभी मंदिर मस्जिद टूटने के बाद तो वैसे भी जो बना है वो मंदिर है, लेकिन वो तिरपाल में है, एक तरीके से झोपड़े में है, झोपड़े से भी छोटा शब्द अगर कोई मुझे तो पता नहीं उससे भी छोटा शब्द है, उस प्रकार की स्थिति में है। मैं भी जब 3 साल पहले वहाँ पर गया था तो इतने भव्य क्षेत्र में अंदर जाके जब बताया, पूछना पड़ता है कि ये मंदिर कहाँ है, तो जब वो एक कोने में छोटा सा तिरपाल में प्रभु रामचंद्र को देखा तो ये लगा कि हम भले ही कितना सीना चौड़ा कर कर हिंदुस्तान में रहें, हम गुलाम हैं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र आज भी इतने छोटे से तिरपाल में हैं। क्या कहते हैं हाशमी, दोबारा देखिए। जितने भी नेता हैं सब तो कोठियों में रह रहे हैं और रामलला तिरपाल में रह रहे हैं। मैं रामलला को तिरपाल में देखना नहीं चाहता, खुद तो बढ़िया मिठाई 100 रुपये किलो की खा रहे हैं और रामलला को इलायची दाना खिला रहे हैं, ये नहीं होगा। राम जी के खिलाफ केस लड़ने वाले व्यक्ति को अगर यह अनुभूति हो सकती है, उनका अगर मत परिवर्तन हो सकता है, उनको अगर सत्य स्वीकार है, तो 125 करोड़ हिंदुस्तान को यह सत्य स्वीकार क्यों नहीं है, क्यों इसमें समय लगाया जा रहा है, यह सवाल है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमारी यह है, ये जो अंधविश्वास की दुकानें खोले बैठे हैं लोग बाग महाराजा, इतना जो मंदिर मस्जिद का जो चला रखा है, अंधविश्वास वाला खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, अंधविश्वास के नाम पर विश्वास पर भी प्रहार नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत से लोग इस देश में अंधविश्वास के नाम पर विश्वास को ही हमला करते हैं, विश्वास को ही तोड़ने का प्रयास करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास से होने वाले नुकसान से ज्यादा फायदा विश्वास पर विश्वास करने से होता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय श्री राम। मेरा नाम आशुतोष सिंह, बोलिए। मैं गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूँ। हाँ, और मैं हर कीमत पे चाहता हूँ कि श्री राम लला अब तिरपाल छोड़ करके मंदिर में आए। मैं पीएम नरेंद्र मोदी से गुजारिश करता हूँ कि कृपया हमारी भावनाओं की कद्र करें, हमारे हिंदू समाज के साथ सही जो चीज है उसको करें। अगर मोदी ये नहीं कर सके तो फिर नहीं लगता कि कोई कर सकेगा, और इसलिए मोदी शायद ये करेंगे ऐसी आशा है, करे ऐसी अपेक्षा है, करे ऐसा आग्रह है, और जल्दी करे ये भी आग्रह है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, राम राम सुरेश जी, बोलिए। हाँ जी, ये जो इसका मंदिर का और इसका अपना मस्जिद का जो झगड़ा है, मस्जिद तो एक तरह की धर्मशाला होती है। हाँ। धर्मशाला तो कहीं बन सकती है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर को दूसरी जगह थोड़ी हटाया जा सकता है इस तरीके। बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम यही कहता है। पिछले कार्यक्रम में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आए थे, उन्होंने वहाँ मक्का में या उनके बाकी गल्फ में जो लोग हैं जिनको इस्लाम के जन्मस्थान पर जो राजा या शाह है, वो भी यही कहते हैं कि हमारे लिए जैसे आप लोगों के लिए मंदिर एक पूजनीय होता है, वैसे हमारे लिए मस्जिद नहीं होती, हमारे लिए मस्जिद के अंदर एक व्यवस्था के तौर पर केवल हम जाते हैं। अगर वहाँ पर मस्जिदों के बारे में जहाँ इस्लाम शुरू हुआ वहाँ पर यह मान्यता है, तो ये भारत में क्यों नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, जय हिंद सर, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे जो हिंदू जो राष्ट्र है हमारा, हाँ, तो हिंदुओं की जो भावना को समझे, मैं नरेंद्र मोदी साहब को कहना चाहता हूँ खाली कि अब तो जो मुसलमान भी इस बात के लिए एग्री हो चुके हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो हमारी सर भावनाओं की कदर करें। बिल्कुल, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इतिहास में पहली बार होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर को, जो सोमनाथ मंदिर भी जिस तरीके से कब्जा किया गया था, सोमनाथ के मंदिर को बनाने का निर्णय भारत सरकार के कैबिनेट ने किया था, और भारत सरकार के कैबिनेट के निर्णय को इम्प्लीमेंट किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात को दिखाया था, मोदी को भी
लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति मानते हैं, प्रतिकृति मानते हैं या उनके रूप में देखते हैं, उनकी या उनसे भी ज़्यादा मजबूत है ऐसा कहा जाता है। तो ये आधुनिक सरदार पटेल, उन्होंने वहाँ पर सोमनाथ के मंदिर को बनाया, तो क्या मोदी अयोध्या का मंदिर बनाएंगे, ये देखना रहेगा। हम आपको कुछ शॉर्ट में दो वीडियो दिखाते हैं। अयोध्या में जो गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के जो ज्ञानी हैं वो क्या कहते हैं, देखिए। वाणी में हमारे गुरु साहब ने लिखा है कि वचन करके खिसक जाए सोई नर कच्चा। जो वचन किया दे कि हम कोर्ट को मानेंगे, पहले बात चल रही थी कि बातचीत से हम मसला हल कर लेंगे, अब कोर्ट का फैसला जब उस जगह के लिए जहाँ राम स्वयं विराजमान है, उस जगह राम जन्मभूमि की जगह को कोर्ट ने कह दिया कि यह राम की लला की ज़मीन है, अब यह सारा मसला ख़त्म हो गया। मुसलमानों को ये चाहिए कि अब बिला वजह कोर्ट को, देश को और कमजोर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आया था तो सारे ही मुस्लिम नेता ये कहते थे कि कोर्ट का निर्णय आएगा और उसमें अगर साबित होगा कि यह जन्मभूमि है तो हम इसे मान लेंगे, अपना दावा छोड़ देंगे। लेकिन इतने साल हुए निर्णय आने के बाद भी अब इस बात को बदल रहे, तो ऐसे में गुरु ग्रंथ साहब क्या कहते हैं, ये ज्ञानी जी इस पर बता रहे थे। जफर गिलानी इस केस में एक नेता के तौर पर मुस्लिमों की पैरवी करने वाले व्यक्ति, भारत में हिंदू देवी देवताओं का कैसा मजाक उड़ाते हैं, इस डॉक्यूमेंट्री नानघा घैसास पुणा से है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री के लिए जब इनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कितनी गंदी बात कही, देखिए क्या कह रहे हैं। आपके 33 करोड़ देवता हैं, हम क्या जाने कब किसके आप पैदाइश कहाँ पर निकाल देंगे, तो हमारी तो कोई मस्जिद नहीं बचेगी। तो जहाँ मान्यता एक हो वहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि साहब मुसलमान गौर करें इस पर। मैं आपको दोबारा सुनाना चाहूँगा कि इतनी गंदी बात ये कह रहा है अपने आप को मुसलमानों का नेता कहने वाला, कि आपके तो 33 करोड़ देवता है, न जाने आप किसकी पैदाइश कहाँ निकालोगे, ये पैदाइश ढूंढने वाली औलादे नहीं है, ये तो सनातन धर्म के मान्यता और करोड़ों आस्थाओं की मान्यता है और लाखों वर्षों की मान्यता साक्ष्यों के साथ है, जिनका कोई आता पता नहीं, ऐसी ये बातें नहीं है, बल्कि सारा पता जिसमें है, ऐसा स्थान प्रभु रामचंद्र का है, क्या कहता है दोबारा सुनिए। 33 करोड़ देवता हैं, हम क्या चाहें कब किसके आप पैदाइश कहाँ पर निकाल देंगे, तो हमारी तो कोई मस्जिद नहीं बचेगी। तो जहाँ मान्यता एक हो वहां तो हम ये कह सकते हैं कि साहब मुसलमान गौर करें इस पे। वैसे तो एक घंटे में इस पूरे विवाद को आपके सामने रखना संभव नहीं था, लेकिन जो मूलभूत इसके तत्व है, खास करके पुरातत्व विभाग क्या कहता है और न्यायालय इन पूरा निर्णय किस आधार पर कैसे हुआ था, यह हमने आपके सामने रखा। राम जो हमारे आस्था के, श्रद्धा के, स्वाभिमान के प्रतीक है, उनके बारे में तमाम ऐसे साक्ष्य और ऐसे विषय हमारे सामने हैं जो आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर हम आपके सामने लेकर आएंगे। दोबारा अपेक्षा भी व्यक्त करेंगे कि अगर एक ज़माने के भारत सरकार ने सोमनाथ मंदिर के लिए कैबिनेट में निर्णय कर भारत की सरकार के पैसे से मंदिर बनाया था, तो यहाँ तो केवल निर्णय करना है, पैसा देने के लिए तो पूरा हिंदुस्तान तैयार है। आशा करते हैं कि यह निर्णय जल्दी से जल्दी होगा और गुलामी के प्रतीकों को निपटाने की, मिटाने की चल रही मुहिम अब उस तथ्य पर आकर सत्य पर खत्म होगी जिसकी लाखों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था रही है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अब हम हर कीमत पर रामलला को आजाद देखना चाहते हैं।